है खास हर अंदाज। आपने मुंह क्यों छुपा रखा है? आपने जो घटिया सी क्रीम से ला कर दी थी उसे लगाते इसके चेहरा खराब हो गया। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, मुझसे गुनाह अजीम हुआ। आप मुझे सजा दीजिए। इसकी तो बस एक ही सजा है। मुझे हर सजा मंजूर है, मुझे सजा दीजिए। सजा ये है कि आप हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चले जाएं। हमारी भाई आंख फड़क रही है, जब भी फड़कती है कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है हमारे साथ। जो हमारे जीजा है कच्चा बनियान, जब तुम इस घर में आई ना जीजी, उसके बाद ही इनकी किस्मत चमकी है। जीजी हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया। बोलो ना। हम भी कोनो लड़की से शादी कर लेते ना अच्छी सी, जिसके आने से हमारी भी किस्मत बदल जाए। झुंझुने हिला लो, इधर ला, दे झुंझुरा दे, हिला था। क्या कर रहे हो? काय काय मारे आप हमरे पुतन भैया को, आप ऐसे ना ही कर सकते हैं। भाभी जी मैं तो जनरली आप उसे चुप कीजिए, आप आपसे बात ही ना ही करेंगे। भाभी जी हम भी आए पराठे खाने के लिए। अगेट लास्ट जी, हमारा एक काम कर दो, फिर हम मान जाएंगे कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो। कौन सी इच्छा बे? हमारी शादी करा दो। ये लौंडा खुद अपनी मौत का सामान दे गया। तुम्हें पता भी उसका खानदान क्या है? अगर उसका खानदान होगा तो हम पता लगा लेंगे। मैं उसके माँ बाप से, उसके पूरे खानदान से मिलूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। तो एक बात बताओ, शादी के बाद तुम लोग तो गांव चले जाओगे ना फिर? गांव ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे भभूति जी, आप भी यार। नहीं नहीं, हम गांव क्यों जाएंगे, हम तो यहीं कानपुर में और इसी घर में रहेंगे। आज तक लोगों को लगता था कि हम अंतरिक्ष में सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट को ही भेजते हैं। पहली बार ऐसा होगा कि हम अपनी टीम के साथ एक आम इंसान को भेजने वाले हैं। तो आर्क एच। जब कोई जा रहा होता है कहीं ना, तो उसको एक टाटा कहने का तरीका है, चाओ चाओ चाओ। अगर आपको कभी हमारी याद आए तो चांद को देख लीजिएगा, हम आपको वहीं मिल जाएंगे। आपको काहे याद करेंगे? So proud of you, Vibhu. तो मेरी अमानत तो सही सलामत वापस आना। बिल्कुल सही सलामत लौट के आऊंगा। अब सगुन हो गया, ये सब क्या हो रहा है? It's just a coincidence. आप जानते हैं आपको क्या करना है? मुझे लगता है आप मुझे एलियंस को पकड़ने के लिए भेजेंगे सर। एक्चुअली ये अभी एस्ट्रोनॉट्स थके आ रहे आएंगे, तो आप रॉकेट में जाइए और उनके लिए चाय नाश्ता बनाइए। रास्ते में आते वक्त जो बर्तन जुटे हुए थे आप उनको साफ कर दीजिए, और स्पेस क्राफ्ट में वैक्यूम पंप घुमाना मत भूलिएगा। अरे साइंटिस्ट, तुम ही से सारा काम तो नहीं करा रहे? पता चला तुम ही से रॉकेट उड़वा रहे हो
और वहाँ कोने में बैठे हूँ सारे के सारे। Of course not. कहीं अटकते तो मुझे बुलाते हैं और वैसे भी मुझे बड़ी इज्जत देते हैं, मुझे विभूति जी बुलाते हैं। ओए विभू। Maybe I have to go. Bye. Bye. ओए विभू इधर आना, मशीन उठानी है इधर। आ रहा। करेला कैसे भैया? अरे मैंने कहा कि क्या जरूरत थी उस शॉपकीपर से झगड़ा करने की। बस झगड़ता कैसा नहीं, वो साड़ियों के डबल पैसे मांग रहा था वो। आजकल मैं देख रही हूँ कि आपको बात बात पे गुस्सा आ रहा है। आप इंसान से बदल के गैस पे चढ़े हुए प्रेशर कुकर की जैसे सीटियां देने लगे हो। यही सब आपकी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। ऐसा मत कहो डार्लिंग, प्लीज। आज के बाद आगे से मैं कंट्रोल करूंगा। पक्का ना? एकदम पक्का। तो खाओ मेरी कसम। मैं तुम्हारी कसम खा कर कहता हूँ कि आज के बाद मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूंगा। अरे मेरा सोना, ये ले लो। बिल्कुल ले लो। सब पैक कर दो भैया। और सर नमस्ते। नमस्ते लॉन्डो यहाँ। और सर कैसे हैं आप? आई एम गुड थैंक यू सर। ये लो आपके 10 रुपए। किस बात के? हफ्ता दे रहे सर जी चाय पानी के लिए। इससे ज्यादा ना हमारी औकात है देने की और ना आपकी लेने की। मजाक करते हो है? कमिश्नर साहब मजाक ना कर रहे। तुम्हारा थोपड़ा देख के ऐसे लग रहा है कि तुम एक नंबर के खड़ूस आदमी हो। कसम से कह रही हूं अगर तुम्हें चुटकुला सुनाया जाए ना तो तुम हंसने के बजाय रोना शुरू कर दोगे। मजाक। कमिश्नर साहब। जी 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 जी। एक बात बताओ आप वापस कब जा रहे हैं? आपके साथ जो एक आम आदमी गया था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। हमने उनको वहां से निकलने का वक्त बता दिया था बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे नहीं पहुंच पाए और वो चांद पे छूट गए। What? रुको, मेरा पूरा हनीमून बर्बाद हो गया। विदिता को पता चल गया कि वो टेस्ट मैंने करवाया था और कहीं उसने मॉम को सब कुछ बता दिया तो मेरा घर परिवार सब बिखर जाएगा। मैं ये किसी भी कीमत पे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आज मेरा रुद्र जिंदा होता तो मेरी कभी नहीं ऐसी दुर्गति होती। तू चिंता मत कर, मैं तेरी दोबारा शादी करवाऊंगा। विधवा की शादी कराएंगे? कौन करेगा मुझसे शादी? मैं करूंगा तुमसे शादी। तुमने हमसे सत्य छुपाए इसलिए हम जा रहे हैं सबको ये बताने कि हम राधा कान्हा से रुष्ट हो जाती हैं और अपने ईश्वर स्वरूप का भेद करती हैं सबके समक्ष उजागर। हम ये कहना चाह रहे हैं अब हम राधा नहीं अपितु देवी लक्ष्मी हैं। सभी लोग आज से हमारी पूजा करेंगे। गोपी ये तुमने क्या अनर्थ किया?